नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को घर पर होने वाले कुछ ऐसे वर्कआउट्स बताऊंगा जिससे आप लोग अपने बैली को फ्लैट कर सकते हैं, टमी को कम कर सकते हैं और ये सभी वर्कआउट जो है आसान होने वाले हैं। आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और आप लोग अपने मुस्कुराहट से ही आप लोग जो है अपने टमी को कम कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो दावा करते हैं कि आप लोगों के टमी को कम कर देंगे, क्योंकि वो आप लोगों की मेंटेलिटी को जानते हैं। क्योंकि अगर आप लोग वो प्रोडक्ट इस्तेमाल में लेते हैं तो आप लोगों का टमी कम होने लगता है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं। अगर यही रिस्ट्रिक्शन और यही पाबंदी, यही डिटर्मिनिस्टिक के साथ आप लोग जो है एक्सरसाइज करते जाएंगे तो आप लोग स्लिम फिट ही नहीं, हेल्दी भी रहेंगे, और इतने हेल्दी रहेंगे कि आप लोग जो है अपने हर एक बॉडी पार्ट को लीन बना सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि कौन कौन से वर्कआउट्स आप लोगों को सुबह उठकर करने चाहिए। सबसे पहला वर्कआउट हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग जो है ये एक्सरसाइज आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करनी है और हर एक एक्सरसाइज जो है वो 40 सेकंड की ही होगी। इसमें आप लोगों को स्क्वाट एक्सरसाइज की तरह नीचे बैठना है और फिर साइड में आप लोगों को लेग किक लगाना है। जब आप लोग साइड में लेग किक लगाएंगे तो आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगी और साथ ही आप लोग जो है स्क्वाट एक्सरसाइज करने से अपनी बॉडी को हेल्थी भी फील करवाएंगे। ये एक्सरसाइज आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करनी है और 40 सेकंड जो है करने के लिए आप लोगों के स्क्रीन पर काउंटर जो है वो लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल आप लोगों को करना है। 7 सेकंड बचे हुए हैं, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड और 0। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद में हम लोगों के पास आ जाता है रेस्ट। तो 10 सेकंड का सिर्फ आप लोगों को रेस्ट लेना है, आराम करना है। जितना आप लोग आराम करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आप लोगों की बॉडी के लिए हेल्दी रहेगी। अब दूसरी एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं, ब्रीज एक्सरसाइज की ओर, और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों की जो लोअर बैली फैट होता है, अगर आप लोगों को उसको कम करना है, उसको रिड्यूस करना है, तो आप लोग ये बेहतरीन एक्सरसाइज जो है ग्लूट ब्रीज एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आप लोगों के जो हिप्स होते हैं वो मजबूत बनते हैं और साथ ही आप लोगों की थाइज भी मजबूत बनती है और आप लोगों का लोअर बैली फैट भी कम होने लगता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का एक्स्ट्रा बैली फैट रिड्यूस हो, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का बैली फैट रिड्यूस हो, तो आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बेहतरीन एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों को सिंपल योगा मैट चाहिए और आप लोगों का कोई भी ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पर आप लोग कम वर्कआउट कर सकें। अब आप लोगों के पास है एक्सरसाइज रेस्टिंग टाइम, तो आप लोगों को रेस्ट करना है और ये रेस्टिंग टाइम जो है आप लोगों के स्क्रीन पर है, 10 सेकंड का मिलता है। उसके बाद में ख़त्म होने के बाद तीसरी एक्सरसाइज हम लोग चलते हैं, वो है बेंच डिप्स। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथों को ट्राइसेप्स डिप्स इसे हम लोग बोलते हैं इस एक्सरसाइज को। इसमें आप लोगों को दोनों हाथों को जस्ट पीछे की ओर रखना है और उसके बाद में आप लोगों को जस्ट जो है नीचे और अपने हाथों की मदद से ही आप लोगों को ऊपर की ओर उठना होता है। तो ये जो ट्राइसेप्स डिप्स एक्सरसाइज है ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों की थाइस मसल्स के लिए भी, इवन आप लोगों के लोअर बैली फैट के लिए भी बहुत अच्छी है, आप लोगों के स्पाइन मसल्स जो है उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो हेल्दी तरीके से मिल सकते हैं। अब आप लोगों के पास है रेस्टिंग टाइम, तो रेस्ट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रेस्टिंग टाइम तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना ही चाहिए। 10 सेकंड का रेस्टिंग टाइम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं। वो आप लोगों के पास है सुपरमैन पोज। सुपरमैन पोज आप लोगों को करना है और उसके बाद में जस्ट आप लोगों को ऊपर की ओर उठना है, जस्ट सिंपल हाई प्लैंक पोजिशन पर लेनी है। और उसके बाद में आप लोगों को हाई प्लैंक पोजीशन अगर आप लोग लेंगे तो बैली फैट आप लोगों का बहुत जल्दी रिड्यूस होगा, रेक्टस एब्डोमिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंगेज रहेगी और इससे आप लोगों के हिप्स जो है वो भी बहुत अच्छे टोन होंगे। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग जो है 40 सेकंड के लिए जो है करनी आप लोगों को चाहिए। और मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज आप लोगों को आजमानी चाहिए ताकि आप लोग जो है अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें, अच्छे बन सकें। खूबसूरत बनना है तो आप लोगों को एक्सरसाइज को करना ही होगा और खूबसूरत बनने के लिए एक्सरसाइज घर पर एक्सरसाइज कर लेंगे तो इनफ रहेगा। अब आप लोगों के हिप्स के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, पांचवें नंबर की एक्सरसाइज है हिप्स के लिए। सिंपल आप लोगों को अपनी योगा मैट के ऊपर उल्टा लेट जाना है, अपने पेट के बल आप लोगों को लेट जाना है, दोनों हाथों की कोहनियों को आप लोगों को सरफेस पर रखना है, आप लोगों की गर्दन इसमें जो है ऊपर की ओर रहेगी, आप लोगों का पूरा पेट जो है वो धरातल पर रहेगा, मैट से चिपका हुआ रहेगा। अब आप लोगों को अपने दोनों पंजों को जो है मैट से एकदम जो आप लोगों की पैर की जो नीचे वाला जो सरफेस है, आप लोगों का तलवा जो है पैर का
ऊपर की ओर रहना चाहिए। अब आप लोगों को पैर को एक पैर को ऊपर की ओर उठाना है, तो इससे आप लोगों के ग्लूट्स जो है वो मजबूत रहेंगे। अल्टरनेटिव्स आप लोगों को वो अपने पैर से उठाने। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी और आप लोगों को करनी भी चाहिए। अब आप लोगों के पास है रेस्टिंग टाइम, तो रेस्टिंग टाइम भी खत्म हो चुका है। माउंटेन क्लाइंबर कर लेते हैं थोड़ा सा। माउंटेन क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लोअर बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए, आप लोगों के हिप्स को मजबूत बनाने के लिए और मसल्स को लीन बनाने के लिए। इसके लिए आप लोगों को एक योगा मैट की ज़रूरत होती है और दोनों हाथों को योगा मैट के ऊपर रखिए। उसके बाद में आप लोगों को हाई प्लैंक पोजिशन में आना है। उसके बाद में अपने एक घुटने एक जो घुटना है उसको मोड़ते हुए जो है आप लोगों को हाफ की ओर ऊपर की ओर जाना है। तो ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल करने से आप लोग जो है स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं, इवन आप लोगों का जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस हो सकता है। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसे आप लोगों को करना चाहिए। नेक्स्ट वर्कआउट हम लोग जाने से पहले आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट जो है वो लेना है और 10 सेकंड का रेस्ट आप लोग अगर लेंगे तो आप लोग खूबसूरत बन सकते हैं, क्योंकि रेस्टिंग रिकवरी देता है और आप लोगों की बॉडी को हील भी करता है। नंबर 7th एक्सरसाइज की ओर चलते हैं आप लोगों के लिए, बैक किक एक्सरसाइज, और ये बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसमें अगर आप लोग वेट रखना चाहते हैं तो वेट रख सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, योगा मैट पर आप लोग टेबल टॉप पोजिशन पर बना कर रखें। इसमें आप लोग जो हैं जो आप लोगों का राइट लेग है उसको आप लोगों को अप एंड डाउन करना है एक पोजिशन, यानी कि 90 डिग्री पर आप लोग उठा लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर उठाने की कोशिश करें, इससे आप लोगों के जो हिप्स हैं वो अच्छे टोन बन सकते हैं और वो एक अच्छी शेप में आ सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसे आप लोगों को करना ज़रूर चाहिए। जो अपने हिप्स को अच्छा रखना चाहता है, टोन बनाना चाहता है, वो अपना ये एक्सरसाइज ज़रूर करेगा। अब आप लोगों के पास है रेस्टिंग टाइम, तो 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट मिलता है। ये रेस्टिंग टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप लोगों को करना ही चाहिए, मैं ये कहूँगा। और उसके बाद में आप लोगों के पास है नेक्स्ट वर्कआउट, यानी कि नंबर 8 वर्कआउट, और ये 8वां वर्कआउट है, फाइनल वर्कआउट है। 8 मिनट का वर्कआउट अगर आप लोग कर लेते हैं ये दिन भर में, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज आप लोगों को मिल जाती है। स्क्वाट बेहतरीन एक्सरसाइज में काउंट किया जाता है, और मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आप लोगों को स्क्वाट छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग इंग्लिश टॉयलेट को यूज़ करते हैं और मैं कहूँगा कि इंग्लिश टॉयलेट की वजह से आप लोगों के घुटने चले जाते हैं, या आप लोग पैदल नहीं चलते हैं तो घुटने चले जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो गायब होने लगता है, ये कहें कि ख़त्म होने लगता है। तो ये सभी एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप लोगों को करनी भी चाहिए। मैं ये कहूँगा एक्सरसाइज कोई भी हो वो सारी ज़रूरी होती है, चाहे आप लोग पूरे दिन भर में पैदल चलेंगे तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फायदा होगा। सनलाइट आप लोगों को मिलेगा और आप लोगों की स्किन हेल्दी रहेगी, आप लोगों की पूरी बॉडी जवान रहेगी। ये वीडियो यहीं तक था, लेकिन मोटिवेशन आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा मेरी तरफ से, और मैं ये चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करो, या आप लोग जो है अपने फेसबुक पर शेयर करो, या अपने व्हाट्सएप पर शेयर करो, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद।